फिल्म इंडस्ट्री में ग्लोबल आइकन बन चुकी प्रियंका चोपड़ा 18 जुलाई 2023 को पब्लिकली 41 साल की हो गई। 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में जन्मी प्रियंका शावनी रंग वाली एक आम लड़की हुआ करती थी, जिन्हें बचपन से ही रंग भेद और भद्दे कमेंट का सामना करना पड़ा था। 13 साल की उम्र में जब उन्हें अमेरिका पढ़ने भेजा गया तो वहां उन्हें अपने सांवले रंग के कारण रंग भेद का सामना कई बार करना पड़ा। अमेरिकन बच्चों से परेशान होकर वो प्रियंका चोपड़ा बाथरूम में छिपकर लंच करती थी। फिर जब 3 साल बाद यानी कि लगभग 3 साल अमेरिका में गुजारने पर उनके रवैये में बदलाव हुआ, वहां के चाल चलन से वहां से जब बदलाव हुआ तो पिता ने घर से निकलने और जींस पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके अंदर एक हुनर था, एक कला थी और उनके हुनर और लगन ने उन्हें ज्यादा दिनों तक असफलता का मोहताज नहीं रहने दी। महज 18 साल की उम्र में वही प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनकर एक मिसाल कायम की। लेकिन फिल्मों में जगह बनाने के लिए फिर उन्हें डायरेक्टर की गलत डिमांड और भद्दे कमेंट को भी झेलना पड़ा। आज वही प्रियंका चोपड़ा सबसे रईस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है, एक सफल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की भी कई गिने चुने फिल्मों में काम की है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं, कुछ मजेदार किस्सों को बताऊंगा जो आप शायद ही जानते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा 18 जुलाई साल 1982 को जमशेदपुर के झारखंड में पैदा हुई थी। प्रियंका के पिता अशोक चोपड़ा और मां मधु चोपड़ा दोनों ही आर्मी में डॉक्टर थे। प्रियंका चोपड़ा के नाना डॉक्टर मनोहर किशन अखोरी कांग्रेस के जाने माने नेता थे। वहीं उनकी नानी मधु ज्योत्सना अखोरी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर थी, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर थी। जब प्रियंका 4 साल की थी तो उनके पिता की पोस्टिंग लेह में हुई थी। लेह में प्रियंका का परिवार वैली में बने बंकर में रहता था, वहां दूसरे आर्मी के लोग भी रहते थे। आर्मी में नौकरी करते हुए प्रियंका के पेरेंट्स की पोस्टिंग देश के अलग अलग शहरों में हुई। ऐसे में प्रियंका का बचपन दिल्ली में, चंडीगढ़, अंबाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे में भी था। यानी कि अलग अलग जगह पे जैसे जैसे शहरों में पोस्टिंग होती गई तो उसी तरह उनका बचपन भी उन्हीं उन्हीं शहरों में बीता। फिर महज 13 साल की उम्र में प्रियंका को पढ़ाई के लिए यूएस भेज दिया गया। उनके गार्जियन द्वारा पेरेंट्स से यूएस भेजा गया। वहां अपनी आंटी के साथ रहते थे। बचपन में सावनी रंगत होने के कारण प्रियंका को दूसरे अमेरिकन बच्चे भद्दे कमेंट करके चिढ़ाया करते थे उसे। कई बच्चे बुली करते हुए उन्हें उन पर भारत लौट जाने का दबाव बनाते थे, उन पे चिढ़ाते हुए उन्हें कहते थे लौट जाओ भारत। प्रियंका खुद भी अपने फीचर्स और स्किन कलर से लेके यानी कि अपने फीचर्स जैसे अपीयरेंस और स्किन कलर को लेकर इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी कि वो जवाब देने के बदले उसको जवाब दे सके, तो क्या करते थे उनके बदले सहमी हुई रहा करती थी क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं थी उस समय। दूसरे बच्चों से डरकर प्रियंका अपने लंच बाथरूम में बैठकर किया करती थी जिसे कोई उन्हें देखकर उनका मजाक नहीं बना। पर क्या आपको पता है कि 9वीं क्लास में ही प्रियंका का बॉयफ्रेंड था, जी हां, यूएस में। दरअसल प्रियंका ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड में अपने पहले हार्टब्रेक से जुड़ा मजेदार किस्सा शेयर किया। उन्हें लिखा है कि उन्हें अमेरिका में 9वीं क्लास में पढ़ते हुए 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से जिसका नाम बॉब था, बॉब से उसे प्यार हो गया था। एक दिन प्रियंका की मौसी किरण घर से बाहर गई हुई थी और उसी समय मौके का फायदा उठाना चाहिए प्रियंका चोपड़ा ने, और मौके का फायदा उठाते हुए 13 साल की प्रियंका ने बॉब को घर बुला लिया। प्रियंका बॉब को किस करने ही वाले थे कि अचानक मौसी लौट आई और प्रियंका ने तुरंत बॉब को अलमारी में छिपा दिया। हालांकि ये हमारे सनातन संस्कृति में कल्चर में नहीं है लेकिन ये अमेरिका में ऐसा उनके साथ हुआ, उन्होंने बायोग्राफी में लिखा था। लेकिन वो पकड़ी गई और घर में डांट पड़ी और बॉब ने उन्हें छोड़ दिया। बॉब कुछ दिनों बाद प्रियंका की ही दोस्त को डेट करने लगा जिसने उसका दिल तोड़ दिया, जिससे उनका दिल बुरी तरह से टूट गया था, ये उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है।
प्रियंका चोपड़ा उसके 5 साल बाद जब भारत लौटी, यानी 17 साल की उम्र में जब प्रियंका चोपड़ा अमेरिका से भारत आई, तो उनके रहन सहन में बड़ा बदलाव आया। वो एक मॉडर्न बन चुकी थी, अमेरिकी स्टाइल में वहां पे रह करके एक मॉडर्न लड़की बन चुकी थी, लेकिन उनके पिता अशोक चोपड़ा को उनका बदला हुआ रवैया रास नहीं आ रहा था। इसी बीच महज 17 साल की उम्र में प्रियंका ने एक लोकल में क्वीन ब्यूटी पेजेंट जीता। लोकल कॉन्सर्ट होता है, क्वीन ब्यूटी पेजेंट जीता लोकल में ही, जिन्हें उन्हें शहर भर के लोग जानने लगे थे। पूरा शहर भर में देखा, शहर भर के लोग उन्हें जानने लगे। द हावर्ड स्टर्न शो में प्रियंका ने खुलासा किया था कि जब भी वो कहीं जाती थी तो लड़के पीछे पड़ जाया करते थे। एक दिन एक लड़का उनका पीछा करते करते उनकी बालकनी तक पहुंच गया। प्रियंका घबराई और पिता के पास भाग गई। इस हादसे के बाद प्रियंका के पिता ने उन्हें जमकर डांट लगाई और पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। उन्हें घर से निकलना, मतलब कई तरह की पाबंदियां लगी, जैसे कि पिता ने प्रियंका पर सख्ती बरतते हुए उनके बेडरूम की खिड़की को जाली से पैक करवा दिया और उनकी सारी जींस और वेस्टर्न कपड़े जब्त कर लिए गए। प्रियंका को घर से अकेले बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, यानी वो जहां भी जाती थी या तो उनके साथ घर का कोई बड़ा होता था या उसका ड्राइवर होता था, यानी कि ड्राइवर के साथ या घर की कोई बड़े बुजुर्ग के साथ जाना होता था। उन्हें सिर्फ सूट पहनने की ही इजाजत थी और बचपन में प्रियंका अपने पिता की सख्ती से काफी निराश हुई थी, क्योंकि अमेरिका में एक वेस्टर्न स्टाइल में एक पली बड़ी उस मॉडर्न में ढल गई थी और यहाँ पे सख्ती से फिर उनको काफी निराशा हुई। पर उसकी माँ उसको काफी सपोर्ट करती थी। सपोर्ट किस मायने में अभी आपको समझ में आया। प्रियंका का ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ झुकाव देखकर एक दिन उनकी माँ को उनका ग्लैमरस वर्ल्ड में झुकाव उनको दिख रहा था, तो उनकी माँ ऐसा देखकर उनकी माँ मधु ने उनका फेमिना मिस इंडिया के लिए फॉर्म भर दिया। जैसे ही ये बात पिता को पता चली तो घर में हंगामा मच गया। पिता ने माँ को डांटते हुए कहा था कि जब वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो उसे मिस इंडिया में क्यों भेजना है। उसके दिमाग में अभी ये सब डालना ठीक नहीं है, ऐसा उनके पिता का कहना था। कुछ समय बाद मधु ने अशोक को समझाया, यानी कि उनके पिता को समझाया, तो वो भी मान गए। लेकिन तब प्रियंका नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि वो खुद अपने सांवले रंग और अपीयरेंस लेके अंडर कॉन्फिडेंट नहीं थी। प्रियंका ने माँ से कहा कि वो ये सब नहीं करना चाहती है, ना ही वो इसमें कामयाब हो सकेगी। मधु ने उन्हें बैठाया और कहा कि अगर समझाया उसे कि अगर तुम नहीं भी जीती तो पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा, तुम दोबारा पढ़ सकते हो, लेकिन ये एक बड़ा मौका है। और फिर माँ के कहने पर प्रियंका ने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। आगे प्रियंका ने मिस वर्ल्ड में भी भारत का रिप्रेजेंट किया। मिस वर्ल्ड फिनाले से जुड़ा एक किस्सा बताता हूं। मिस वर्ल्ड फिनाले के दिन मिस वर्ल्ड के बैक स्टेज में करीब 90 लड़कियां फिनाले के लिए तैयार हो रही थी, मतलब फिनाले में परफॉर्मेंस करने के लिए करीब 90 लड़कियां बैक स्टेज में तैयार हो रही थी। लेकिन उसी भी वहीं पे प्रियंका ने भी हड़बड़ी में तैयार होना शुरू कर दिया था। वो अपने बाल को कर्ल कर रही थी, घुमाता कर्ली जो बनाता है वो कर्ली कर रही थी। तभी अचानक टोके जाने पर उन्हें हड़बड़ाहट में अपना चेहरा जला दिया, मतलब कर्ल करते समय अपना चेहरा जला दिया। उनके चेहरे में बड़ा सा दाग आ चुका था जिससे उन्होंने कंसीलर और बालों से ढका था, उसे उसी कंसीलर और बालों से ढकना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा गलत जवाब देकर भी मिस इंडिया बनी थी। दरअसल फिनाले में प्रियंका चोपड़ा से पूछा गया था कि वो किस जीवित महिला को सबसे कामयाब मानती। जवाब में प्रियंका ने मदर टेरेसा का नाम लिया था, जिनका निधन 3 साल पहले ही हो चुका था, उस समय के 3 साल पहले, जबकि सवाल जीवित महिला के बारे में पूछा गया था। इसके बावजूद प्रियंका को ताज मिला। प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड के फिनाले में जो ड्रेस पहनी थी वो बेहद भारी थी। उसे शरीर में चिपकाए रखने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने बॉडी टेप से उसको चिपकाया था। और जब मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता के रूप में प्रियंका के नाम की घोषणा हुई तो ये प्रियंका की जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था। लेकिन ये वो लम्हा था जब प्रियंका एक इंटरनेशनल मंच पर शर्मिंदा होने से बाल बाल बची, जो उन्होंने बताया जिक्र किया था। दरअसल उनकी ड्रेस धीरे धीरे नीचे आने लगी थी, जो फिसलने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने उसे इसको बचाने के लिए इस अंदाज में नमस्ते किया जिससे उसकी ड्रेस शरीर से चिपकी रहे, यानी कि उन्हें नमस्ते करके पकड़ा और ड्रेस को पकड़ के रखा ताकि शरीर से चिपकी रहे।
मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता के रूप में प्रियंका पर 22 साल बाद जीत पर सवाल भी उठा था। 22 साल बाद उनकी जीत पर सवाल उठा और कहा गया कि मिस वर्ल्ड 2000 फिक्स था। दरअसल साल 2022 में पूर्व मिस बारबाडोस लीलानी मैकने ने प्रियंका और उनकी जीत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने YouTube वीडियो में कहा था कि मिस वर्ल्ड 2000 में प्रियंका की जीत पहले ही फिक्स थी। इसके लिए उन्होंने बताया कि उस साल मिस वर्ल्ड का स्पॉन्सर इंडियन केबल स्टेशन यानी जी टीवी था। इंडियन केबल स्टेशन जी टीवी उसका स्पॉन्सर था उस साल, और हर लड़की के सेस में देश का नाम से पहले जी टीवी का नाम लिखा था। उस समय मिस इंडिया प्रियंका चोपड़ा और दूसरी लड़कियों में बहुत भेदभाव होता था। प्रियंका को उनके होटल रूम में खाना मिलता था जबकि दूसरी लड़कियों को एक साथ खाना मिलता था, ऐसा उन्होंने वहां पर आरोप लगाया था। पूर्व मिस बारबाडोस ने आगे कहा था कि प्रियंका प्रेजेंट के दौरान प्रेजेंट करी थी, प्रेजेंट के दौरान स्किन कलर सुधारने के लिए एक फेस क्रीम लगाती थी जो असर नहीं कर रही थी। उसके बाद यह भी उन्होंने बताया कि स्विम सूट राउंड में उसके शरीर पर धब्बे थे जिन्हें छिपाने के लिए उसने बिकनी नहीं बल्कि सराउंड पहनी, जबकि किसी भी कंटेस्टेंट को इसकी इजाजत नहीं थी। उस समय फिनाले में या मतलब इसमें किसी की इजाजत नहीं है, लेकिन उसने सराउंड पहनी थी। फिनाले में भी स्पॉन्सर्स ने उसकी ड्रेस स्पेशल बनाई थी, ऐसा ये सब सारी बातें उन पर आरोप लगाए। अब प्रियंका के फिल्मी करियर से जुड़ी बातों को जानिए। अब उनके फिल्मी करियर से जुड़ी बातों को मैं बताता हूं। दरअसल मिस वर्ल्ड जीतने के बाद प्रियंका को लगातार बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। जब मिस वर्ल्ड उसने जीत लिया तब बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आने लगे। प्रियंका ने 3 फिल्मों के ऑफर कबूल कर लिए। इसी बीच उन्होंने अपनी नाक की बनावट सुधारने यानी कि नाक की बनावट सुधारने के लिए नोज सर्जरी करवाई। सर्जरी के दौरान उनका नोज ब्रिज कोलैप्स हो गया और नाक बुरी तरह से बिगड़ गई। उनकी बिगड़ी नाक के चलते उनके हाथों से 2 फिल्में निकल गई। जो 3 फिल्म उन्होंने अप्रूव की थी उसमें से 2 फिल्में निकल गई। वो 2002 की फिल्म हमराज से डेब्यू करने वाली थी। दरअसल 2002 के जो फिल्म थी हमराज, उसी फिल्म से उनका डेब्यू होने था, लेकिन उनकी जगह अमीषा पटेल को साइन कर लिया गया उनकी उस नोज सर्जरी के कोलैप्स होने की वजह से। दूसरी फिल्म भी हाथ से निकली और तीसरी फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई में उन्हें लीड रोल से हटाकर साइड रोल दे दिया गया। दरअसल उस फिल्म में उन्हें लीड रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन उसकी इसके बाद सर्जरी के बाद उन्हें साइड रोल दे दिया गया। शुरुआत में ही फिल्में हाथ से निकली देख प्रियंका डिप्रेशन में चली गई थी। फिल्म द हीरो से पहले प्रियंका ने 2002 की तमिल फिल्म थमिजान से एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसके अगले साल द हीरो फिल्म प्रियंका की पहली बॉलीवुड फिल्म बनी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड में खुलासा किया था, यानी उस पर खुलासा किया है कि कैसे एक डायरेक्टर ने उन्हें 3 सर्जरी करवाने की सलाह दी। फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर ने 3 सर्जरी करवाने की सलाह थी, यानी कि प्रियंका ने अपने बुक में लिखा है कि फिल्मों में एंट्री लेने से पहले उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई थी। उस डायरेक्टर ने प्रियंका से कहा कि वो खड़ी हो जाए और घूमकर अपनी बॉडी दिखाए। डायरेक्टर की बात सुनकर प्रियंका ने बात मान ली और उसके सामने खड़ी हो गई। उस डायरेक्टर ने कुछ मिनटों तक उन्हें घूरा और कहा कि तुम्हें अपने ब्रेस्ट बट और जबड़े की सर्जरी करवानी चाहिए। प्रियंका का मैनेजर भी उस समय डायरेक्टर की हां में हां मिलाना लगा, यानी कि जैसे वो बोल रहा था, डायरेक्टर भी उसकी जो मैनेजर थी वो भी डायरेक्टर की हां में हां मिला रही था, और यही कारण रहा कि प्रियंका ने उसे अपना डायरेक्टर मैनेजर को अपना हटा दिया, क्योंकि वो डायरेक्टर की हां में हां मिला रहा। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने जॉय रिपोर्ट से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया। प्रियंका ने बताया कि कैसे करियर की शुरुआत में डायरेक्टर की गलत डिमांड न मानने पर उन्हें फिल्म से निकाला गया था। उन्हें कहा था कि बात 2002-2003 की है, जब मैं एक फिल्म में काम कर रही थी, एक सीन के लिए मुझे हीरो का सीड्यूस करना था। इसी बीच डायरेक्टर चाहता था कि प्रियंका अपने अंडरगारमेंट्स दिखाएं, और डायरेक्टर ने सबके सामने स्टाइलिश होती है उसे कहा कि अगर ये अंडरगारमेंट्स नहीं उतारेंगी तो फिल्में कैसी चलेंगी। उस समय की इसने अपने प्रियंका चोपड़ा ने एक खुद खुलासा किया। प्रियंका को यह सुनकर बहुत बुरा फील हुआ। उन्हें लगा कि
उनकी एक्टिंग या टैलेंट का कोई महत्व नहीं है, ऐसा उन्हें रियलाइज हुआ। और ऐसे में उन्होंने दो दिन बाद ही फिल्म छोड़ दी, यानी कि वो फिल्म जो थी उसमें काम करना छोड़ दिया। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म अंदाज से बतौर लीड करियर की शुरुआत की थी, लीड रोल में अंदाज फिल्म में वो लीड रोल में दिखी थी। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और डेब्यूटेंट लारा दत्ता थी। फिल्म शूटिंग के शुरुआती दिन थे और प्रियंका चोपड़ा को अंदाज फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग करनी थी। शूट के दौरान का किस्सा बताता हूँ। दरअसल उसने बताया था कि शूट के दौरान प्रियंका एक स्टेप 40 टेक होने के बाद भी ठीक से नहीं कर सकी। जब प्रियंका चोपड़ा एक स्टेप को 40 टेक के बावजूद भी ठीक नहीं कर सकी, तो ये देखते हुए उस गाने के जो कोरियोग्राफर थे राजू खान जो कि जाने माने कोरियोग्राफर सरोज खान के बेटे हैं, वो इतना गुस्सा में आ गए कि उन्होंने माइक फेंकते हुए प्रियंका को सबके सामने फटकार लगा दी। उन्होंने कहा, तुम मिस वर्ल्ड हो गई तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्ट्रेस बन जाओगी? जाओ पहले सीख कर आओ, पहले डांस सीख के आओ, एक्टिंग सीख के आओ। राजू खान के डांटने पर और कहने पर कि जाओ पहले सीख कर आओ कि डांस कैसे करते हैं, उसके बाद परफॉर्म करो, तो इस डांट पड़ने पर प्रियंका ने ब्रेक लिया और पंडित वीरू कृष्ण से कथक सीखा। वो रोजाना 6-6 घंटे प्रैक्टिस किया करती थी और जब वे उस गुरु के पास से कथक सीख के डांस सीख के जब वो लौटी तो उन्होंने एक बार में ही सीन कर दिया, यानी एक बार में ही पूरा शॉट दे दिया। फिल्म अंदाज में प्रियंका के अभिनय को खूब सराहा गया था और इसके लिए प्रियंका को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला गया था। उस साल बेस्ट फिल्मफेयर अवार्ड डेब्यू फीमेल के लिए अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को मिला था। अंदाज फिल्म से पहचान हासिल करने के बाद प्रियंका 2004 में 5 फिल्मों प्लान, किस्मत, असंभव, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज में दिखी। शुरुआती 3 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी ने प्रियंका को बॉलीवुड में पहचान दिला दी। इसी साल प्रियंका ने फिल्म ऐतराज में सोनिया रॉय का नेगेटिव रोल भी निभाया था। इस रोल के लिए भी उन्हें नेगेटिव रोल का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया था। क्रिटिक ने माना कि प्रियंका ने नेगेटिव रोल होने के बावजूद खुद पर लोगों का ध्यान खींचा, उनकी इस रोल को सराहना मिली। प्रियंका चोपड़ा अपने करियर में करीब 52 फिल्में कर चुकी है। प्रियंका ने अपनी शुरुआती करियर में कई फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन 2006 में उन्होंने साल की 2 सबसे बड़ी फिल्म क्रिस और डॉन में काम किया। उस समय की हिट फिल्म, बड़ी फिल्म जो अच्छी कमाई की, उस फिल्म में काम किया। 2008 की फैशन के लिए प्रियंका को पहला नेशनल अवार्ड मिला। फिर प्रियंका की डॉन 2 जो साल 2011 में आई थी, फिर अग्निपथ साल 2012 में आई थी और क्रिस 3 जो साल 2013 में आई थी। तीन सालों की 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में रही तीनों में से। वहीं कमीने जो साल 2009 में आई थी, 7 खून माफ जो साल 2011 में आई थी, बर्फी साल 2012 में आई थी, मैरीकॉम जो साल 2014 में आई थी और बाजीराव मस्तानी जो साल 2015 में आई थी, उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में कही जाती है। उसके बाद 2015 में प्रियंका हॉलीवुड ड्रामा सीरीज क्वांटिको में अहम किरदार निभाकर इंटरनेशनल स्टार बना। क्वांटिको के जरिए वो हॉलीवुड में अपना कदम रखी। इसके बाद प्रियंका बेवॉच, सिटाडेल जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रही और प्रियंका हॉलीवुड में सबसे ज्यादा काम करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई, यानी कि बॉलीवुड से हॉलीवुड में सबसे ज्यादा काम करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा है। अब मैं आपको प्रियंका चोपड़ा की लव स्टोरी के बारे में बताता हूं कि कैसे 35-36 साल की उम्र में एक उम्र की लड़की से कोई 25 साल के निक जॉनस से प्यार हो गया, यानी कि 35 साल की उम्र में कैसे 25 साल के निक जॉनस से पास के पीछे क्या किस्सा है। दरअसल आर्मचेयर एक्सपर्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने निक जॉनस से पहली बातचीत और अपनी लव स्टोरी शेयर की है। उसने जो शेयर किया उसी के अनुसार आपको बता रहा हूं। प्रियंका ने बताया कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, तभी उनके ट्विटर पर निक जॉनस का मैसेज आया। प्रियंका के दोस्त चाहते थे कि वो निक से मिले, लेकिन निक उम्र में उनसे 10 साल छोटे थे। इसके बावजूद अपने पिछले रिश्ते से नाखुश प्रियंका ने निक से बात की और दोनों की दोस्ती हो गई। बातचीत के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों 2017 में मेड गाला में पहली बार मिले और चंद मुलाकातों के बाद दोनों
2018 तक में यानी कि 2018 में रिलेशनशिप में आ गए। डेटिंग के 2 महीने बाद ही दोनों ने सगाई कर ली और 1 दिसंबर 2018 में शादी कर ली और जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए बेटी का जन्म हुआ। सरोगेसी के जरिए उनका एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मालती रखा गया। आपको बता दूं हाल ही में कुछ समय पहले की बात है जब प्रियंका बॉलीवुड की राजनीति पर बड़ा खुलासा करके काफी चर्चे में रही, यानी कि वो मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहा। दरअसल कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा ने डेक्स सेफर्ड के पॉडकास्ट में बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में करियर बनाने पर बात की। उन्होंने इस स्थिति में कहा कि वो बॉलीवुड में होने वाली पॉलिटिक्स से थक चुकी थी। उन्हें हर कोई साइडलाइन कर रहा था, जो ऑफर मिले थे वो बेहद मामूली थे। ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड जाने का यानी कि बॉलीवुड से आगे बढ़ के हॉलीवुड जाने का फैसला किया था और वो हॉलीवुड में अपना करियर बनाने की सोची, ऐसा उन्होंने उस पॉडकास्ट में कहा। प्रियंका चोपड़ा की कमाई और प्रॉपर्टी की बात करें तो वह हर फिल्म के 22 करोड़ रुपए लगभग और हर एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 1.8 करोड़ रुपए चार्ज करती है। प्रियंका का लॉस एंजलिस में 150 करोड़ का आलिशान मैंसन है। साल 2013 में प्रियंका ने गोवा में एक बीच हाउस भी खरीदा था जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। प्रियंका चोपड़ा को कई महंगी गाड़ियों का शौक है जिसमें उनकी कार कलेक्शन कई है। उनके कार कलेक्शन में 5.25 करोड़ रुपए की यानी कि 5.25 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस होस्ट, 58.70 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज, 1.5 करोड़ की करीब यानी कि 1.5 करोड़ रुपए की BMW 7 सीरीज, पोर्शे कायन, मर्सिडीज बेंज ई क्लास, मर्सिडीज बेंज एस क्लास और ऑडी Q7 जैसी गाड़ियां शामिल हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।